हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज हम पढ़ेंगे पीएच पदार्थों का मान। जैसे कि आपने देखा है कि 10th क्लास में सीबीएसई तथा एनसीईआरटी और कंपटीशन एग्जाम्स में क्या होता है, पीएच मान के बारे में पूछा जाता है। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, सर्वप्रथम पीएच स्केल की खोज किसने की है? तो दोस्तों, सर्वप्रथम पीएच स्केल की खोज की है सोरेनसन ने की थी 1909 में। ठीक है दोस्तों, एसपीएल जी ने की थी 1909 में की थी सोरेनसन जी ने। उसके बाद में क्या है कि पीएच स्केल क्या होती है। ठीक है, तो पीएच स्केल में क्या होता है कि अम्लीयता, मतलब किसी विलेय की अम्लीयता क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मान के मापदंड को नापने के लिए पीएच स्केल का निर्माण किया गया है, मतलब जिसे हम पीएच मान भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पीएच स्केल बना के दिखाती हूँ कि ये कैसी होती है। तो पीएच स्केल क्या होती है कि 0 से लेके 14 तक पीएच स्केल का मान होता है। मतलब कोई भी आपसे ये भी क्वेश्चन आता है पीएच स्केल के नंबर्स कितने होते हैं, कहां से कहां तक होती है, तो आप बताएंगे 0 से लेके 14 तक, 14 तक पीएच स्केल्स के नंबर होते हैं, मतलब मापी जाती है। उसके बाद में क्या होता है, ये क्या होता है, 7 जो नंबर होता है ना, ये क्या होता है, उदासीन जिसे बोलते हैं। ठीक है, उदासीन बोलते हैं इसको, है ना। तो पीएच स्केल क्या होती है, इसके द्वारा मापी जाती है। तो ये क्या होता है कि 7 से जो कम होते हैं ना जो संख्या, तो इधर क्या आते हैं, अम्ल पदार्थ आते हैं। इधर कौन से आते हैं, 7 से 1 तक या 0 से 7 तक की जो संख्या होती है ना, 6 तक की, उससे पहले जो मतलब आता है ना, तो इसको कहते हैं अम्लीय पदार्थ कहते हैं। और 7 से 14 के बीच में जो संख्याएं आती है ना, मतलब अम्ल का पीएच मान होता है, उसके कहते हैं क्षारीय पदार्थ। तो क्या होता है अम्ल, पहले तो मैं आपको लिख के बता दूं, अम्ल अम्ल पदार्थ। ठीक है, अम्ल पदार्थ तो ये होते हैं और ये होते हैं क्षारीय। क्षारीय पदार्थ। अब आप बोलेंगे कि कैसे सर, कैसे नापे मतलब इसको, तो क्या होता है अम्ल क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, खट्टे खट्टे पदार्थ जो होते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल कहलाते हैं खट्टे पदार्थ। उसके बाद में क्या होते हैं, क्षारीय पदार्थ तीखे या कड़वे बोल सकते हैं इनको, कड़वे वह क्या कहलाते हैं, क्षारीय पदार्थ कहलाते हैं। और इनको कैसे मापा जाता है, मतलब इनका सूत्र का प्रयोग कहां होता है, यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले क्या होता है, उदासीनीकरण होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि इस तरफ तो सारे अम्ल होते हैं और इस तरफ सारे सारे पीएच मान होते हैं, मतलब पदार्थ होते हैं, है ना। अब मैं आपको स्केल तो मैंने बता दी है कि ऐसा क्वेश्चंस भी आता है कि कितने से कितने नंबर तक होते हैं, तो 0 से लेके 14 तक होते हैं। अब मैं आपको सूत्र बताऊंगी इसका प्रयोग कैसे किया जाता है।
ठीक है, पीएच माइनस लॉग पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है इसका प्रयोग कहां कहां होता है, मतलब ये क्या होता है लिक्विड होते हैं, मतलब जिसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है, कहां कहां किया जाता है। एग्जांपल मैं आपको दे देती हूं, जैसे इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है एल्कोहल, चीनी, एल्कोहल चीनी कागज निर्माण, तो क्या होता है इस इसमें मात्रा के अनुसार पदार्थ डाले जाते हैं, मतलब पीएच मान का प्रयोग किया जाता है कि कितना, जैसे एल्कोहल होती है तो उसका पीएच मान होता है ना, वो मैं आपको आगे बताऊंगी इधर मान के अकॉर्डिंग। तो एल्कोहल, तो इसमें ये वाले सूत्र लगते हैं पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस, ये वाला सूत्र लगता है इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के कारण पूरे पीएच मान बताया जाता है, मतलब अम्ल है कि क्षार है, कितनी क्षारता है कितनी उदासीनता है, इसमें इस तरह से इसका प्रयोग करता है। अब मैं आपको पीएच मान बताती हूँ सबके, तो सिरका होता है ना, जो सिरका उसका पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 3.8 सिरके का, अचार वगैरह में इसमें काम आता है ना। फिर उसके बाद मैंने शराब का, जो मैं एल्कोहल में बोल रही थी ना आपको, तो कितना होता है, कितना यूज किया जाता है एल्कोहल के लिए, 2.8 एल्कोहल के लिए पीएच मान, ये पदार्थ है पीएच मान है, मैं बता रही हूं आपको 2.8 इसके यहां से, मतलब ये क्या कैसे पदार्थ जो है 2.8, यानी कि ये अम्ल भी और क्षार भी दोनों ही आ गए मतलब इसमें, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड है नींबू, नींबू में कितना प्रयोग होता है 2.4, तो क्या होता है नींबू खट्टा होता है, खट्टा होता है ना, तो क्या हुआ अम्ल पदार्थ हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या है मनुष्य मूत्र, तो मनुष्य मित्र का पीएच कितना होता है, तो मैं बताऊंगी आपको मनुष्य मित्र का होता है 6, ठीक है दोस्तों 6 होता है 6। उसके बाद में बोला है समुद्री जल का, समुद्री जल का कितना होता है, समुद्री जल कैसा होता है 8.4 खारा, मतलब सारे समुद्र जल तो सारे पीने योग्य नहीं हो सकते ना, साफ जल ही तो पी सकते हैं ना, तो समुद्र जल का पीएच होता है 8.4। उसके बाद में पूछ रहा है शुद्ध जल, जो कि मैंने आपको बताया पीने योग्य पानी, तो उसका होता है 7। उसके बाद में बोला है नमक का, तो आप सोचेंगे यार नमक तो खारा होता है, पर बनता किससे है, जल से बनता है ना, शुद्ध जल से निकलता है ना, तो इसका क्या होता है पानी से नमक की उत्पत्ति होती है, प्राप्त होता है समुद्रों वगैरह में, झीलों में प्राप्त होता है ना नमक, तो नमक का पीएच होता है 7। इसके बाद में आप बोलेंगे इसके बाद में मनुष्य रक्त, इसका कितना होता है, तो मनुष्य रक्त का होता है 7.5 मनुष्य रक्त, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है कॉफी में कितना पीएच मान होता है, तो कॉफी का होता है 5.5, थोड़ी ऐसी होती है मतलब कॉफी का टेस्ट पता ही होगा, कड़वी थोड़ी ऐसी खट्टे जैसा अजीब सा होता है, 5.5 होता है। उसके बाद में बियर का कितना होता है, तो बियर का मैं आपको बताती हूँ, से लेके 5.0 तक बियर का पीएच मान होता है, ठीक है। उसके बाद में है टमाटर का कितना होता है पीएच, तो टमाटर का होता है 4.4, इसका पीएच होता है 4.4, खट्टा होता है ना टमाटर, देखा होगा कभी खाया होगा रस कितना खट्टा होता है, तो किसमें आ गया अमल में आ गया ये, ठीक है। उसके बाद में क्या है लार, तो लार का कितना होता है, लार का होता है 6.5 होता है लार,
जो कि अपने टंग में लार होती है ना, एंजाइम होता है जो, उसके बाद में बोल रहा है कि आंसू में कितना होता है, तो आंसू में होता है 7.4 होता है। उसके बाद में होता है, उसके बाद में पूछा है दूध में, 14 नंबर का दूध में, तो इसमें होता है 6.4। दूध अपने योग्य भी होता है, जानवर वगैरह सभी पीते हैं, तो 6.4। तो आपको समझ आ गया होगा इस तरह से 14 है पीएच मान। वैसे तो हर चीज जो अम्ल तथा क्षारीय होती है वो ऐसे ही होती है, मतलब खाद्य योग जितनी भी विटामिन लिक्विड वगैरह बनते हैं तो सबका पीएच मान होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। थैंक यू।